आए हुए हैं। अच्छा वो जो अयोध्या से आए वो सब तो तैयार होकर के आए हैं सुंदर, और राम जी महाराज जो दूल्हा हैं वो पहले से ही बैठे हुए हैं ससुराल में। अगर अयोध्या से आते तो तैयार होकर आते, दूल्हा बनकर आते, लेकिन जब पहले से ही ससुराल में है तो दूल्हा कौन बनाए। बोले अब राम जी को दूल्हा मिथिला वासियों को ही बनाना पड़ेगा, मिथिला के ही लोग राम जी को दूल्हा बनावा। फिर सखियों ने कहा ऐसा करो, सुंदर व्यवस्था करो, राम जी को दूल्हा बनाओ, और जब ससुराल के लोग सजाएंगे तो और सुंदर सजाएंगे महाराज। सखियों ने सुंदर व्यवस्था किया उबटन आदि ला करके, और भगवान राम जी को दूल्हा बनाना चाहते हैं। बोले इससे पहले हम लोग मटकोर का क्रम नहीं किए, मटकोर का क्रम करना चाहिए। वहां मटकोर का एक बड़ा सुंदर क्रियाकलाप है मिथिला में, और ये मिथिला की ही परंपरा है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदाल है, कहवा के साथ सुहागिन मटकोर चात है, कहवा के साथ सुहागिन मटकोर चात है, कहवा के साथ सुहागिन मटकोर चात है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदाल है, कहके कोदार रे, कहवा के पियर माटी कहके कोदार रे, कहवा के साथ सुहागिन मटकोर का पूजन करने जाते हैं कुदाल वगैरह लेकर के। सखियों ने इन सारे क्रियाकलाप को, यानी जो विधि अयोध्या में माताओं को करना था वह सारा विधि आज मिथिला में हो रहा है। अब मिथिला वासी सब अली भाव सखियां बैठी हुई हैं, भगवान को तैयार कर रही हैं। मायरा हिल मिल आली सजई योरी रघुराज बन्ना को, हिल मिल आली सजई योरी उपटन अंग चढ़ैयोरी रघुराज बन्ना को, उपटन अंग चढ़ैयोरी रघुराज बन्ना को, हिल मिल आज सजैयोरी रघुराज बन्ना को। बोले दूल्हा सरकार को पहले पेड़े पे बैठाओ फिर इनके उपटन लगाओ। दूल्हे को उबटन लगाया जाता भेजने से पहले, एक दिन पहले हल्दी का कार्यक्रम होता ना अपने यहाँ, दूल्हे को हल्दी लगाया जाता, सब जितनी माताएं होती हैं पूरे शरीर में सुंदर हल्दी लगाती हैं,
कि उसके रूप का निखार हो, सौंदर्य बढ़े बदन का। लेकिन अब हल्दी के भी परंपरा को सब केवल फैशन का परंपरा बना के रखा। हल्दी वेदी पे होता था, अब तो बस वो आर्टिफिशियल डेकोरेशन कर दिए और लड़का या लड़की जिसका विवाह बैठ गए, गालों में लगा लिया, हाथ में लगा लिया, दिखाने के लिए बस हो गया। ये भी परंपरा समाप्त हो रही है। लेकिन इस संस्कृति को बचा लो, जीवन में शांति चाहते हो। पुनः सखियां भगवान को तैयार करने के लिए वस्त्र लेकर के आई कि भगवान को वस्त्र पहनाओ। दूल्हा सरकार को पेरी धोती के सरिया जामा, पेरी धोती के सरिया जामा, पेरी धोती के सरिया जामा, अनवा के पहनई ओरी रघुराज बन्ना, अनवा के पहनई हाजी रघुराज बन्ना के घर बन करके। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि दो कुमार और महाराज दशरथ के आए हुए हैं और दो कन्याएं माता जानकी जी के चाचा जी हैं कुशध्वज, उनकी भी दो पुत्रियां थी और दो पुत्री महाराज जनक के। बोले क्यों ना चार राजकुमारी हैं तो चारों राजकुमार का एक साथ में ही वरण कर दिया जाए। तो भगवान श्री राम के साथ में श्री जानकी जी, भरत भैया के साथ में माता मांडवी और लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला तथा शत्रुघ्न जी के साथ में सुकीर्ति नाम की जो राजकुमारी थी, इनका पाणिग्रहण संस्कार होता है। एक ही मंडप में चार चार दूल्हा और दुल्हन, उस घड़ी को क्या कहना है। एक पिता को ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है जल्दी कि एक ही मंडप में चार चार दूल्हा दुल्हन का दर्शन करे। क्या आनंदमय छटा है। सखियां मंगल गान कर रही हैं, मिथिला में आनंद ही आनंद है महाराज। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हा हा निहाल सखिया, ए हो निहाल सखिया, और चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला मारी मौरी
लाल चंदन सोहेला इनके भाल सखिया चारों मगन आज भाई धर दिया गगन मगन आज भाई धर दिया गगन मगन आज भाई धर दिया हाँ देख देख दुल्हा जी के सवारी वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा बे विवाह हो रहा है। अब विवाह में सब लोग जाते हैं तो कितना आनंदित रहते हैं, तो भगवान के विवाह में खूब तन्मयता के साथ रहते हैं। बोलो दुल्हा सरकार की जय। जोश में रहे। देखिए भगवान आज चारों भाई एक साथ भावर घूम रहे हैं, और जब भगवान लगे भावर घूमने तो वहां जो सखियां बैठी हैं वे भगवान के साथ विनोद करती हैं कि दुल्हा सरकार इस भावर में कैसे कैसे चल रहे हैं, किस भाव से चल रहे हैं कि पग धीरे कैसे दुल्हा भरत है सखी पग कैसे धीरे दुल्हा भरत है सखी पग कैसे किसी ऑपरेटर को बुला लीजिए, बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान कैसे चल रहे हैं? सखियों ने कहा चले जैसे कोल्हू के बरद हे सखी। बोले जैसे कोल्हू में एक बैल चलता हो ऐसे दुल्हा सरकार भावर घूम रहे हैं। अयोध्या के संत बैठे थे, संतों ने कहा अरे भगवान को बैल कहते, लेकिन सुनो बर यो बरद के गुण नाम एक है सखी। वर मतलब वरदान और दा मतलब देने वाला, अर्थात वरद जो वरदान दे
तो भगवान वरदान देने वाले। अयोध्या के संत ने कहा सुनो, पेरे बैल को लूमा सरसों के घानी है सखी। जो बैल होते हैं ये कोल्हू में सरसों की घानी पेरते हैं कि पेरे बैल को लूमा सरसों के घानी है सखी। लेकिन ये 84 लाख योनी के घानी है सखी। इनको साधारण मत समझना, ये दूल्हा सरकार 84 लाख योनियों को पेरने वाले। हमारे आपका जो आवागमन होता है इन सब के मालिक ही दूल्हे सरकार है, जान लीजिए। इनको ऐसे साधारण मत समझ लेना। सखियों ने कहा सो हम देख ही रहे हैं महाराज, विवाह का कार्य पूरा हुआ, भगवान बैठ गए सुबह खिचड़ी खाने के लिए, जिसको बासी खाना बोलते हैं। सहेलियां बैठी हुई हैं साथ में और सहेलियों ने कहा राम जी कुछ मांग लीजिए। यहाँ नियम होता है दूल्हा कुछ मांगता पहले गुस्सा होके बैठता है, खाएगा नहीं जब तक कुछ न मिले। राम जी ने कहा हमें किस चीज की कमी है सो हम मांगने आए। अरे हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि विवाह हो जाए, लेकिन देखो यहाँ आए विवाह ही हो गया हमारा। हमने दुल्हन भी नहीं मांगा, भगवान ने व्यवस्था कर दिया, क्यों मांग। सखियों ने कहा कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा अगर देना चाहते हो तो हमारे साथ जितने कुंवारे बाराती आए इन सब का विवाह कर दो मिथिला में। जय हो गुरुदेव। भगवान कहते इस हिसाब से भगवान की 6 महीने बारात मिथिला में रहे, और जितने कुआरे बाराती थे सबका एक दूसरी कन्या के साथ चयन किया गया, जिसका जैसे गुड़ मिला और विवाह संपन्न कर दिया। भगवान बैठे हुए हैं, सखियां महाराज भगवान को सुना रही हैं। गारी गावत राज दुलारी जीवत राम जी लला। गारी व्यंजन में बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन परोसा गया है कि खाजा खुरमायो तब तजलेबी। खाजा खुरमायो तब तजलेबी। खाजा खुरमायो तब तजलेबी। पापर पुआ सुहारी जीवत राम जी लला। भारत जी से पूछा भैया कैसे बनी
से बनी है तारकारी जियावा तारा जी लाला। आनंद में सुंदर समय भगवान का व्यतीत हुआ। सखियों ने बाद में भगवान को पान देती हैं कि हे प्रभु इस पान को भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि दूल्हा सरकार को पान भी खिलाने की बड़ी सुंदर परंपरा है। हमारे प्यारे प्रीतम प्राण प्रभु जी खा लीजिए कि आपकी अयोध्या में ये नहीं मिलेगा। मगहा बंगला और कपूरी वहां कहां भला, मुसुक मुसुक अलपान खवावत आनंद होत भगवान ने पान का भी स्वाद लिया, सुंदर समय बीता। सखियों ने कहा एक बात बताओ, हमने तो देखा है महाराज दशरथ आए हैं वो गौर वर्ण के हैं, सुंदर हैं, और माता कौशल्या भी सुंदर हैं, तो आप सांवले काले कैसे हो गए? कि अगर माता पिता गोरे हो बच्चा कहीं काला पैदा हो गया तो फिर जान लो गांव वाले आनंद लेते हैं कि मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, और आप क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। बोले आप कैसे सांवले हो गए भगवान जब दोनों लोग गौर वर्ण के हैं। यही दुविधा के तनिक मिटावा पहुना जे जे पूछा तानी बतिया, बतावा पहुना जे जे पूछा तानी बतिया, बतावा पहुना जे जे पूछा तानी बतिया। यही दुविधा दुविधा है इसको मिटाओ, इस दुविधा को कहीं सांची सांची कछु ना छिपावा पहुना। झूठ मत बोलना। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो ये ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार होता है, जल का कोई आकार नहीं, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई से देखोगे तो नील वर्ण का दिखाई पड़ेगा, इसलिए से हमारे राम जी ब्रह्म है। और राम जी को देख करके जो है दुविधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सखियों ने खूब भाव विभोर आनंद भगवान के साथ में समय व्यतीत किया। अंत में सारी सहेलियों ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना भी किया। भगवान काली भी स्वीकार करते हैं किसकी, अपने भक्त की, मिथिला के नाते। अन्यथा शिशुपाल ने भगवान को गाली दिया, लेकिन प्रभु ने क्या किया, जैसे गिनती पूरी हुई सुदर्शन चल गया। तो गाली भी श्री जानकी जूत के नाते भगवान स्वीकार करते हैं। सखियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमें क्षमा करना, हमने आपको बड़ा हास्य प्रदहास विनोद के लिए नाना प्रकार के वचन कहे हैं, इसलिए से मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान आप तो स्वयं नारायण हैं। बार बार विनती किया, सारी सहेलियों ने, श्री जानकी जी भी चारों बहनों के साथ में बैठी हुई हैं, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि पहले खूब गाली दिया आप विनती कर ले, क्या फायदा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये सब आपकी ही लीला है, और आपकी लीला को कौन जान सकता है। जब स्वयं आप अपनी लीला रचते हैं और भूल जाते हैं तो भला जीवों के बस की बात क्या है। भगवान भी खूब आनंद लेते हैं, भगवान चाहते हैं कि भक्त उनके साथ विनोद करें। सखियों ने भगवान से कहा था
कि ये मिथिला श्री किशोरी जू के राज औ आदेश करे का को दूसर महाराज। अरे जहां रखी है सिया जू राम वहां रही है सखी कहां सेवक से। लक्ष्मण जी ने कहा याद करो ये मिथिला इन्हीं सखियों ने कहा था कि जानकी जू का राज है और जहां जानकी जी रखेंगी वहां हम लोगों को रहना पड़ेगा। सखियों ने कहा छमहु चूक श्री राजेश जुआगे और गारी देत हम सियाजू के नाते तुम्हारी हम सर है जे सारी गारी मिथिला की तुम्हारी हम सर है जे सारी गारी मिथिला की तुम्हारी हम सारी सारी तुम्हारी मिथिला की सिर रघु पर अवध बिहारी गारी मिथिला की सिर रघु पर साली और सरह जाए हमें अधिकार है। सुंदर समय आया गुरुजनों ने कहा महाराज अब बरात को विदा करना चाहिए बड़ा समय व्यतीत हो गया। महाराज विदे हैं आज जानकी जो के सामने है ज्ञान की तो मर्जाद मिटी कहे जान की रोवन लाए। जब गांव से एक बेटी विदा होती है तो समय पूरा गांव रोता है और माँ तो चिल्ला के रो लेती लेकिन जो पिता होता है वो उस समय नहीं रो पाता अकेले में एकांत में बैठ करके रोता है उसका हृदय रोता है। आज कौन आज बेटी जा रही है जितना ध्यान बेटी रख लेगी ना पुत्र नहीं रख पाते हैं। और जब बेटी चली जाती है तो घर में बहू के रूप में दूसरी बेटी आती भी है। महाराज जनक आज विनती कर रहे हैं और समस्त मिथिला वासियों ने राम जी से अनुनय विनय किया राम जी ये जानकी जी केवल जनक जी की बेटी नहीं है हम सब मिथिला वासियों की बेटी हैं और इनको हम सब ने अपने पुतली जैसे नेत्र की पुतली रहती है पलकों के बीच में ऐसे सजो करके रखा है इनसे अगर कोई भूल हो तो हमें डांट देना। भगवान राम के नेत्र भराए क्योंकि भगवान करुणा के अवतार हैं। मिथिलावासी विनय करते हैं जनक किशोरी मोरी लागेली बहिनिया हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैले मोर हे मिथिला के नाते राम पहुनवा भैले मोर हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैले मोर हे मिथिला के नाते जनक दुलारे मोरे लागे है बहिनिया हे मिथिला के नाते कि हाँ मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भैले
विनय किया कि आप हमारे प्राण धन हैं कौशल किशोर। मिथिला से बारात विदा हुई और आज अवध में चार दुल्हन नहीं कई दुल्हन आई हुई हैं। अवध में तो आनंद ही आनंद है, सुंदर समय व्यतीत हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, राजन अब यदि हम श्री राम जी के चरित्र को सुनते रहेंगे तो कृष्ण कथा में नहीं जा पाएंगे। अब हम लोग चलेंगे कृष्ण कथा की ओर। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्णाम यदोर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमोचते। बोले महाराज यदु का वंश परम पवित्र है और इनके वंश में ब्रह्मा जी से ही विस्तार होता है, चंद्रमा से बुद्ध और बुद्ध से पुरुरवा, पुरुरवा से रौद्राश शुद्रताची ऋतिभू रंतिभार अप्रतिरथ कण्व नाम के राजा हुए। इनके बाद में मेधा सुमति रैम और दुष्यंत, दुष्यंत से भरत, भरत से भृतराज मनु गर्ग वंश महावीर्य और फिर दुरित क्षय नाम के राजा होते हैं। इन्हीं के वंश में महाराज सूरसेन प्रदेश के राजा हैं। सूरसेन उनका बड़ा सुंदर एक पुत्र है जिसका नाम है वसुदेव जी। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं और वसुदेव जी के महाराज पावर भी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देव की प्रमखायासन पतंजयानक दंदभि। ये पूर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला ये सब पत्नियां हैं और उत्तर प्रदेश की ही धरती पर एक जनपद है मथुरा, वहां के राजा हैं महाराज अग्रसेन और उनके भाई हैं देवक। अग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम कंस है और देवक की एक पुत्री है जिसका नाम देवकी है। महाराज अग्रसेन ने सोचा क्यों ना देवकी का विवाह सूरसेन प्रदेश के राजकुमार वसुदेव जी के साथ में कर दिया जाए। बड़ा सुंदर आचार्यों को बुला करके और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न किया। विवाह हो गया तो कंस चचेरी बहन को बड़ा प्रेम करता था, बोला इसको विदा करने के लिए रथ लेकर मैं स्वयं जाऊंगा और सारथी बनकर के बैठ गया। मार्ग में चला, थोड़ी ही देर में भयंकर आकाशवाणी हुई, कह रे मूर्ख जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का आठवां संतान तेरे मृत्यु का कारण तेरा काल होगा।
कंस का मस्तिष्क बदला और एक तलवार खींचता है, देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने कहा, भैया आप वीर हैं और वीर होकर के एक अबला स्त्री पर हाथ उठाएं इस प्रकार से शोभा नहीं देता, और आपको यदि संकट है, भय है, तो इसके संतान से इससे नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूँ, जितने बालकों का जन्म होगा उन सभी बालकों के जन्म होते ही ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, बातों को मान लिया। समय बीता, थोड़े दिन बाद उठा करके कारा डाल दिया। समय आया, मैया गर्भवती हुई, एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उस बालक को लेकर के और कंस के दरबार में गए, भेंट करते हैं। कंस ने देखा तो सोचा, ये तो नन्हा जीव क्या हमारे को मार पाएगा, ये तो पहला है, अभी अगर मृत्यु है वो तो आठवां है, वापस कर दिया। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि अगर ये एक भी पुण्य कर देगा तो इसके 100 पापक्रम दब जाएंगे, तो इसका विनाश कैसे होगा। वो आकर के और उसकी बुद्धि को पलटा देते हैं, कमल की पंखुड़ियों को गिनती करने के लिए दिया कि इसमें से आठवें को पहचानो, केंद्र से गिनोगे कौन सा आठवां है। दैत्य बुद्धि पुनः दौड़ करके आया और देवकी से उस बालक को छीन करके एक पत्थर की शिला पे पटकता है, उसी समय प्राणांत होता है। ऐसे करके 6 बालकों को मार दिया कंस ने मैया। 7वें गर्भ में स्वयं शेषा अवतारी संकृष्ण भगवान का आगमन था। तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया कि गोकुल में वसुदेव जी की एक पत्नी माता रोहिणी रहती हैं, इसलिए से देवकी के 7वें गर्भ को उठा करके और माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। योग माया के प्रभाव से 7वें गर्भ को योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई, उसी दिन उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा संकर्षण देव। बोले संकर्षण देव भगवान की जय। संकर्षण देव संकर्षण क्रिया से आया और मथुरा में जो दाई लगी थी देवकी को देख रेख करने के लिए, ये सब हाय हाय कर रहे हैं, बेचारी देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, भगवान ने इतना बड़ा दुख दे दिया। भगवान संकर्षण देव छठ का पूजन करते होंगे आप लोग, भाद्र मास की खष्टी जब आती है, छठी की पूजा होती है, कुश वगैरह लाते होंगे, तो उसको ललही छठ बोलते हैं। और वो ललही छठ क्या है, भगवान बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में माताएं पुत्र के रक्षा के लिए उस व्रत को किया जाता है, पूजन किया जाता है। वही परंपरा उसी समय से प्रारंभ हुई, आज तक चली आ रही है। पुनः आगे सुखदेव जी कहते हैं, महाराज समय आया, एक दिन माता देवकी और वसुदेव जी बैठे हैं, तभी एक भयंकर चमत्कार हुआ। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदा दारुदयायुधं। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण प्रकट हुए, मैया ने प्रणाम किया। भगवान याद करवाते हैं कि हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। उस समय आपने तप किया तो हमको प्राप्त किया, उस समय में प्रश्न गर्भ होकर के जन्म लिया था और फिर आपको वचन दिया था कि समय आने पर आपका बालक बनूंगा परंतु पेय का पान नहीं करूंगा। वसुदेव जी को समझाते हैं, मेरा जन्म होगा उस समय तुम्हारी सारी बेड़ियां टूट जाएंगी और जितने पहरी हैं सब सो जाएंगे, हमारे को लेकर के गोकुल जाना, वहां नंद जी के यहाँ उनकी धर्म पत्नी माता यशोदा हैं, उनके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ होगा, उस कन्या को तुम ले आना, मुझे वहां छोड़ाना। और वो कन्या कोई दूसरी नहीं, योग माया ही है।
और भगवान कहते हैं इन सब क्रियाकलाप को आप हमारी योग माया के प्रभाव से भूल भी जाओगे। वसुदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं, सुंदर समय व्यतीत हुआ और वह घड़ी आ गई। महाराज भगवान गर्भ में प्रवेश किए। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शांति बनाएंगे थोड़ी देर के लिए। और भगवान का प्राकट्य हुआ वसुदेव जी लेकर के, भगवान को गोकुल आए और वहां से योग माया को लेकर पुनः मथुरा आ गए कारागार में। मथुरा जी में उस योग माया को जैसे ला करके गोद में डाला, साड़ी बेड़ियां आदि सब लग गई। योग माया कंस दौड़ा दौड़ा आया और योग माया को लेकर के पत्थर पे पटकना चाहता है कि वह आकाश में जाकर के और अष्टभुजी रूप धारण करके ललकारती, अरे मूर्ख तू मुझे मार नहीं सकता, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और इतना कह करके अंतर ध्यान हो गई। वही योग माया आगे चल करके बिंध पर्वत पे निवास करती है, बिंध्यवासिनी नाम से। बोल बिंध्यवासिनी माता की जय हो। और महाराज आज गोकुल में आनंद ही आनंद है, बालक का जन्म हुआ, गोकुलवासी इकट्ठे हो गए सब। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन सोना जायो ललना मैं बेदन में सुनिया।
करें और आनंद लेते रहें भजन आदि का। हरिओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बधाई गीत गाएंगे। सारे लोग मीठी तालियों के साथ बोलेंगे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर जन्म है किसान कन्हैया बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जन्म किसन कन्हैया गोकुल बाजे बजैया जन्म है किसन जय
है किसान कन्हैया गोकुलबा No।
जन्म हुआ है। दो लाइन की बधाई गीत। अरे जुग जुग जिए।